हेलो फ्रेंड्स, तो माय नेम इज रोशन एंड दिस यू नो दैट कि तो आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ एंजल शेयर एंड डेविल शेयर। विस्की ही पीते हैं, अगर कोई अल्कोहल प्रेफर कर रहा है तो ज्यादातर लोग यहाँ पे विस्की ही पीते हैं। आप सच सच बताना, आप अगर विस्की पीते हो क्या आपको एंजल शेयर के बारे में पता है? बताओ, मुझे कॉमेंट करो कि एंजल शेयर के बारे में पता था। चलो स्टार्ट कर एंजल शेयर। एक्चुअली पहले एंजल शेयर शुरू करने से पहले आपको ये जानना होगा विस्की को मैच्योर करना पड़ता है एक ओक कास्क में, चार ओक बैरल्स में। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ओक बैरल्स है जिसमें विस्की को मैच्योर किया जाता है, जिसको एजिंग की जाती है। तो एजिंग के दौरान होता क्या है, बैरल्स में विस्की को डाल देते हैं, उसके बाद हम उसको एजिंग के लिए रख देते हैं एक जगह पे। तो वहाँ पे सन रेज आती है, इसके कारण जो सन रेज है उसकी ना हीट होती है, उस हीट के कारण वो जो विस्की है वो इवेपोरेट होने शुरू होता है। कि हर चीज़ का एक बॉइलिंग टेम्परेचर होता है, लाइक पानी का 100 डिग्री सेल्सियस, अगर आप कोई भी स्प्रे अल्कोहल का लोगे तो 70। तो क्या है, गर्मी में हर चीज़ एवेपोरेट होती है। तो वाटर साइकिल जो साइंस में था आपने देखा होगा, वाटर साइकिल पानी है, पानी जो कुछ वेपर बनता है जनक पानी वापस आता है। उसी तरीके से अल्कोहल को भी जब एजिंग करने के रखते हैं, जब विस्की को स्पेशली विस्की को जब रखा जाता है तो उसमें से 1% जो विस्की है वो एवेपोरेट हो जाती है, और जो वो जो 1% जिसकी जो इवेपोरेट हो गई उसको बोलते हैं एंजल शेयर। ये थी एंजल शेयर की। तो आई होप कि अगर आपको समझ आ गया, ठीक है, नहीं तो मैं आपको छोटी सी बात समझाता हूँ। आप कोई आप कभी भी किसी पानी को गर्म करना, उसमें हीट देना, तो ऑब्वियसली वो इवेपोरेट होता है। जैसे गर्मी पड़ने से अगर वो इवेपोरेट होगा, तो वैसे ही जब एजिंग के टाइम पे गर्मी पड़ती है आपको लगेगा कि इतनी क्या गर्मी पड़ गई कि इवेपोरेट हो गई, इतनी तो नहीं पड़ती। बट हाँ, अगर किसी भी चीज़ को, मैं ये नहीं कहता कि अभी अभी हमने वो बैरल में रखी और वो उड़ गई, नहीं। स्कॉटलैंड में 3 साल, तो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो बताया था, स्कॉटलैंड में 3 साल तक एजिंग की जाती है, आयरलैंड में 5 साल तक की जाती है, किसी जगह 2 साल तक, किसी 3 साल तक। तो ऐसे करके इतने सालों तक जब रखा जाता है इतने बड़े वो बैरल्स के अंदर से 1% तो ऑब्वियसली अल्कोहल उड़ ही जाएगा ना, एवेपोरेट होगा। तो वो जो एवेपोरेट हो गया उस 1% को बोलते हैं एंजल शेयर। एंड द सेकेंड नाउ इट्स डेविल शेयर। डेविल शेयर क्या है, जब वो एजिंग हो जाती है, जब हम उस ओक बैरल्स में से अपनी सारी विस्की को जब हम उसको बाहर निकालते हैं तो उसमें थोड़ी सी विस्की बच जाती है, जो अंदर ही बैरल्स में लगी भी रह जाती है, चिपकी भी रह जाती है, या फिर बैरल सोक कर लेता है कुछ विस्की, बाकी सारी तो विस्की निकलती नहीं है। तो आप कभी भी अगर आप दूध भी गर्म करो, दूध भी बाहर निकालो, तो थोड़ा सा दूध टान में बच जाता है। उसी तरीके से जब हम विस्की को बाहर निकालते हैं आफ्टर मैच्योरेशन, तो उसमें थोड़ी सी विस्की वो जो बैरल है वो सोक कर लेती है और उसमें चिपकी हुई रह जाती है, तो उसको बोलते हैं डेविल शेयर। वो जो उसमें विस्की चिपकी हुई रहेगी उसको हम बोलेंगे डेविल शेयर। ये तो डिफरेंस थे एंजल शेयर के बारे में और डेविल शेयर के बारे में। आई होप कि अगर आप विस्की पीते हो तो आपकी थोड़ी सी नॉलेज मैंने बढ़ाई। अगर आपको वीडियो सच में पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और भी मेरी वीडियोस आने वाली हैं काफ़ी ज़्यादा, अभी जो स्टार्ट किया है मैंने यूट्यूब चैनल। बट हाँ यार, वैसे भी आप लॉकडाउन में क्या ही कर रहे हो, सब तो घर पे बैठे हैं, आप खुद भी घर पे बैठे, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, जो भी थोड़ी बहुत नॉलेज मुझे आती है मैं शेयर कर लेता।